महाबलीपुरम को ममलापुरम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टाउन है जो साउथ इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु में है। ये अपने मंदिरों और अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत फेमस है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं इस छोटे से टाउन की सैर करवाने। बैंगलोर से चलने के बाद ये हमारा पहला स्टॉप था। उसके बाद कहीं रुकने का मन ही नहीं किया। रास्ता जो था वो इतना अमेजिंग और व्हाट सीन था कि बस गाड़ी चलाते गए और हम इसकी ब्यूटी को एंजॉय करते गए। पहाड़ तो जैसे पहाड़ों की तरह लगते ही नहीं थे, जैसे सारे पत्थरों को जोड़ के ये पहाड़ बनाया गया हो। बच्चे तो बस एंजॉय कर रहे थे और इनको एंजॉय करता देख मैं एंजॉय कर रही थी। रास्ता बहुत ज़्यादा अलग और बहुत अमेजिंग था। मैंने अपना थोड़ा सा बुक रीडिंग सेशन कर लिया। बच्चों को खेलते देख मेरा अच्छा टाइम पास हो गया। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया एंड ओवरऑल ट्रिप वॉज गुड। ऐसे लग रहा था जैसे गोवा में है, बट गोवा से कुछ हटकर थी ये जगह। पहुंचते ही यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ के स्कल्पचर्स, यहाँ की ब्यूटी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। यहाँ के लोग, यहाँ का ट्रेडिशन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और वाइब्रेंट थी। ये उस जगह का गेट है जहाँ हम लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन पे गए और इसका नाम था शो टेम्पल। शो टेम्पल अपने में एक अमेजिंग हिस्ट्री को बयां करता है। स्कूल के बच्चे यहाँ पे एजुकेशनल टॉर्स के लिए आते हैं। ये जो सेटअप है, ये यहाँ पे एक एनुअल फेस्ट होता है जो हर साल मनाया जाता है, ये उसका सेप था। और लकीली हम लोग भी उसी टाइम यहाँ विजिट करने गए थे। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 1400 साल पुराना है और इसे बनने में 200 साल लग गए। मंदिर की बाउंड्री भी एक बहुत अनोखे तरीके से बनाई गई है, जहाँ पे बहुत सारे नंदी बैल आपको बैठे नजर आएंगे। ये मंदिर कोई आम मंदिर की तरह नहीं बना है, ना कि किसी कार्व्ड स्टोन से बना है। ये मंदिर ब्लॉक्स ऑफ ग्रेनाइट से बनाया गया है, इसीलिए इसकी खूबसूरती बाकी मंदिरों से कुछ हटकर है। इस मंदिर में दो श्राइन्स हैं, एक लॉर्ड शिवा का है और दूसरा लॉर्ड विष्णु का। मेरा तो सारा टाइम इस मंदिर के स्कल्पचर्स को एंजॉय करते निकल गया, पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। शाम हो गई और ये मंदिर की ब्यूटी जो थी सनसेट के साथ और बढ़ी जा रही थी। इसके स्कल्पचर्स, इसके ग्रेनाइट ब्लॉक्स, ये नंदी बैल्स के स्कल्पचर्स, तो बस ऐसे लग रहा था कि कोई स्टोरी बयां कर रहे हैं। शाम होती जा रही थी और हमारे जाने का टाइम होता जा रहा था, बट मेरा इस जगह से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तमिलनाडु के इस छोटे से टाउन महाबलीपुरम के बारे में बहुत सारे लोग पहले नहीं जानते थे, बट धीरे धीरे ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर बनता जा रहा है। इट इज़ सराउंडेड बाय द महाबलीपुरम वेरी फेमस बीच, जहाँ पे बहुत सारा लोकल क्राउड तो इन्जॉय करता ही है और बाहर के टूरिस्ट भी आते हैं। अगर आप शो टेम्पल विजिट करते हैं तो उसके साथ में ही महाबलीपुरम का वेरी फेमस बीच है, उसका रास्ता भी उसके साथ से ही निकलता है। तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो इस बीच पे आना ना भूलें, बिकॉज यहाँ पे आपको लोकल क्राउड, लोकल मार्केट के जो नज़ारे हैं वो देखने को मिलेंगे। ये बीच थोड़ा सा ओवर क्राउडेड तो रहेगा, बट ये चीज़ भी कुछ अलग ही है। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, लोकल मार्केट, लोकल लोगों का क्यूजींस, टॉयज और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी। बच्चे तो खूब इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि बीच तो बच्चों का फेवरेट है। अगर आप भी मेरी तरह शॉपिंग लवर हैं तो ये मार्केट आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे शेल से बनी हुई बहुत सारी ज्वेलरीज एंड बहुत सारा स्टफ आपको मिल सकता है। हमारा कुछ पहला दिन महाबलीपुरम में। तो आगे का ब्लॉग देखने के लिए आप बने रहिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।